क्या लगता है ये डिवाइस सर्वाइव कर पाएगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम वाटर टेस्ट स्प्लैश टेस्ट करने जा रहे हैं वीवो के Y35 का और देखते हैं कि ये डिवाइस सर्वाइव कर पाती है या नहीं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे या आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी रिस्क और काफ़ी मेहनत लगती है। तो फ़ोन को मैं कुछ देर पानी में रखूँगा और पानी में रखने के बाद इसको मैं प्रॉपरली क्लीन करूँगा, जो भी पानी वगैरह होगा डिवाइस में प्रॉपरली साफ़ करूँगा, और उसके बाद देखेंगे कि फ़ोन के तमाम फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जी, तो फ़ोन को मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया है। सबसे पहले फ़ोन के बायोमेट्रिक्स को टेस्ट आउट करते हैं, और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस आईडी दोनों ही ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, और बायोमेट्रिक्स में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो डिस्प्ले में भी स्वाइप्स टचेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और ब्राइटनेस भी फ़ोन की ठीक तरीके से काम कर रही है, उसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। डिस्प्ले में भी मतलब कोई ऑटो टचेस नहीं है। अगर बात करूँ कैमरा की तो कैमरा में भी अभी देख लेते हैं, फॉग वगैरह तो नहीं, तो कैमरा में भी कोई फॉग वगैरह नहीं देखने को मिली। कैमरा भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। और लास्ट में फ़ोन के स्पीकर को भी टेस्ट आउट कर लेते हैं कि स्पीकर से प्रॉपर साउंड आ रहा है या नहीं। जी, तो फ़ोन का स्पीकर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और मुझे कोई स्पीकर में भी इशू देखने को नहीं मिला, और बाकी फ़ीचर्स भी फ़ोन के प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और वीवो Y35 ने मेरा वाटर टेस्ट स्प्लैश टेस्ट पास किया है। बाकी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।